हेलो एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आप सबसे पहले गूगल क्लासरूम में देख रहे हैं। यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम के बाद होगा। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे ही देखेंगे, लेकिन ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ क्लासरूम के मेंबर्स ही इसको देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और भी तीन चार क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन डिमांड और सप्लाई एनालिसिस से है, और डिमांड और सप्लाई एनालिसिस में क्या होता है, एक सप्लाई का इक्वेशन दिया होता है कुछ इस तरह, और एक डिमांड का इक्वेशन इस तरह कुछ दिया होता है, और आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पता करना होता है। तो इससे पहले एक चीज़ और आप और समझ ले, ये जो पार्ट है इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, यहाँ माइनस नहीं होगा, ये बाई मिस्टेक हो गया है, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, और सप्लाई में इंटरसेप्ट हमेशा माइनस में रहता है, और ये जो है ये डिमांड कर्व का इंटरसेप्ट है जो कि प्लस में ही रहता है, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं थ्री, ये है आपका स्लोप, ये थ्री स्लोप है, और ये जो फाइव है ये डिमांड कर्व का स्लोप है, ये सप्लाई कर्व का स्लोप है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा कि इंटरसेप्ट इतना है और सप्लाई इतना है, स्लोप इतना है, तो आप कैसे इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो आप समझ जाएंगे कि इंटरसेप्ट का मतलब ये वाला पोर्शन होगा कांस्टेंट, और स्लोप का मतलब ये वाला पोर्शन है, तो ये सेम होगा। अगर ऐसे भी क्वेश्चन टेढ़ा पूछ देता है इंटरसेप्ट और स्लोप का यूज करके, तो आप उसे बना पाएंगे इक्वेशन में कन्वर्ट करके। तो इसे हम सोल्व करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम में क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड जो होते हैं वो इक्वेल होते हैं, ठीक। तो इसमें यही करना होता है कि जब ये इक्वेल हमें पता है, तो हम ये इन दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे और हमें पी पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्वांटिटी सप्लाई के जगह पे हम क्वांटिटी सप्लाइड का वैल्यू पुट कर देते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड की जगह पे हम क्वांटिटी डिमांडेड का वैल्यू पुट कर देते हैं। तब ये बहुत ही आसान हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम पी को एक साइड करेंगे, जैसे मैंने ये थ्री पी ले लिया यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पर दे दिया, और ये फाइव पी को मैंने ले लिया और इसको इस साइड ला दिया। तो इस साइड लाने के कारण इसका जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए पहले से। और इसी तरह ये 220 यही रहेगा 220, और ये जो आपका 20 है माइनस 20, ये इस साइड आ जाएगा, और इस साइड आने के कारण इसका जो साइन है माइनस से प्लस हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन गया, इसको बहुत ही आसानी से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सॉरी, इसमें एक गलती हो गई है, ये यहाँ पे माइनस होगा इक्वेशन में, क्योंकि तो ये जब माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो ये माइनस होगा तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो एक बार इसे आप फिर से ध्यान से देख लें कि यहाँ पे गलती हो गई थी, माइनस होगा, तो इस तरह से इक्वेशन बदल गया। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन, और उसके बाद हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये 5 और 3 8 हो जाएंगे, 8p हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 220 240 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा p का जो वैल्यू होगा आपको पता ही है कि p इज इक्वल टू हो जाएगा 240/8, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 3 24 0 30, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इस मार्केट का वो 30 है, और हमें अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता करना है, तो हमें पता है इक्विलिब्रियम प्राइस 30 है, ठीक। तो ये जो दोनों इक्वेशन मैंने आपको ऊपर जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इसमें से आप किसी में भी इसका वैल्यू पुट कर देंगे डिमांड या सप्लाई में, तो आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल जाएगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है तो दोनों में सेम ही होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से,
सॉरी, थर्टी से मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 20 आई मीन माइनस 20, माइनस 20 और प्लस 90 हो जाएगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 70। ये जो हमारा 70 निकला ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और फिर इसमें भी आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ आपका आंसर सही निकला है। ये आंसर सही होगा तो दोनों में सेम ही आएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 माइनस 150 हो जाएगा 150, 220 150 आप माइनस करेंगे तो आपको 70 मिलेगा, यानी कि हमने सही से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकाल लिया है। तो इस तरह इक्विलिब्रियम प्राइस तो हमने निकाला ही था, हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 70। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर इससे कुछ उल्टा के पूछ देता है उल्टा करके क्वेश्चन को तो उसे भी आप बना पाएंगे यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें भी सिंपल वही कंसेप्ट होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड होगा। और फिर इस इक्वेशन को हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को यानी क्वांटिटी डिमांडेड को यहाँ पे हम रखेंगे। फिर वही प्रोसेस होगा कि हम पी को एक तरफ लाएंगे, 8p इसी साइड है इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो पी है माइनस 2p ये इस साइड आएगा तो इसके इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। और उसके बाद इस तरह से ये 25 इसी साइड रहेगा, और फिर उसके बाद आपका ये जो माइनस 45 है वो इस साइड चला जाएगा और इसका भी जो साइन है माइनस वो प्लस हो जाएगा। ये बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का, तो इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 10p हो जाएगा, 8p प्लस 2p 10p, फिर इज इक्वल टू और ये 25 है और ये 45 है तो ये हो जाएगा 170 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करना काफ़ी आसान है, यहाँ p होगा और ये जो आप 10 देख रहे हैं ये इस साइड जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर खैर ये काफ़ी आसान है, 170 और यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 17, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस निकल गया। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालने के लिए सिंपल है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें से किसी भी इक्वेशन में आप इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को पुट कर देंगे तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस को की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकलेगा। तो हम पहले यहाँ पुट करते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो यहाँ हमारा जो होगा ये कितना होगा, तो यहाँ होगा 1-45 प्लस 136। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा इधर से देखिए 6 में 5 जाएगा तो आपका यहाँ पर 91 होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है आपका 91 होगा। आप सेम चीज़ यहाँ इसमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं एक वेरिफिकेशन के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो यहाँ पर हम 70 डालेंगे तो आप देख सकते हैं 125 माइनस 34 होगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे 125 में 34 तो आपका वही आंसर निकलेगा 91। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हाँ दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब सही है, तो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होगा वो होगा 91। तो इस तरह से हमारा ये आंसर पूरा हुआ। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ सभी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई हैं
और उसके बाद जीरो दे दिया गया है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है। तो ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस क्या करना है आपको कि ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस साइड कर देना है और इसको भी इस साइड कर देना है, तो ये इक्वेशन उसी तरह बन जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन दो क्वेश्चन में हम लोगों ने तीन क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया है। तो हमें बस इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देना है। तो कैसे करेंगे, जैसे इसे हम क्या करेंगे कि ये तो क्यू एस इसी साइड रहेगा और ये 32 और 7p जो है ये इस इक्वेशन के इस साइड चले जाएंगे और ये जीरो खत्म हो जाएगा। ये उसी तरह बन गया, तो ये प्लस है 32, तो ये इस साइड आने के कारण माइनस में हो जाएगा, और ये -7p है तो इस साइड आने से ये +7p हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इसे भी हम इस इक्वेशन को भी हम कुछ इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ QD लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो राइट हैंड साइड आ जाएंगी, और राइट हैंड साइड जब ये आ जाएंगी तो इनका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है, और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, ये भी इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। तो अब इन दोनों का कोई, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ये हमारी अब कोई काम की इक्वेशंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। सॉरी, तो ये हो गया, तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। तो उसी प्रोसेस से जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे उसी तरह हम करेंगे। यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड होता है इक्विलिब्रियम में, तो वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। और फिर ये क्वांटिटी सप्लाइड का जो वैल्यू है इसे हम रखेंगे वहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड के जगह पे, और क्वांटिटी डिमांडेड की जगह पे हम क्वांटिटी डिमांडेड का ये जो वैल्यू है उसको रख देंगे। और अगला प्रोसेस है कि पी को एक साइड करेंगे, ये 7p इसी साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा, और ये जो है 9p ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड आने के कारण इसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये 128 इधर ही राइट हैंड साइड में ही रहेगा, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का 32 है ये राइट हैंड साइड आ जाएगा और इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया जिसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 9 और 7 16 होगा, 16p हो गया, और फिर यहाँ पे 128 में 32 आप ऐड कर देंगे तो आपको 160 आएगा। इस तरह से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ आप कैलकुलेट कीजिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जब 160 को आप 16 से डिवाइड करेंगे नेचुरली है 10 आएगा, यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 10 है। अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो जो इनिशियल इक्वेशंस थे उसी में इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को हम सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस को हम रख देंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल जाएगा। जैसे इस जगह पे हम रख देंगे अपना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 10, तो ये हमारा निकल जाएगा -32 +17। क्या होगा कैलकुलेशन, 32 यानी कि यहाँ पे होगा सॉरी 840 38 38, तो ये 38 हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल गया। और इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ भी एक बार वैल्यू पुट करके देखेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस का। तो हमने देखा कि 128 है यहाँ पे और यहाँ माइनस होगा 90। सिंपल है, 128 में अब अगर आप 19 माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर 38 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी निकल गया, जो कि 38 है। ये बहुत ही आसान था मेरे ख्याल से, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस
इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया गया था। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको इससे भी उसी तरह मॉडिफाई करना है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलेंगे। तो यहाँ पे कैसे मॉडिफिकेशन करना है कि QS आपका ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड चल जाएंगी। इसी तरह यहाँ QD लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड चली जाएंगी। तो आपको यही मॉडिफिकेशन करना है इस इक्वेशन में। तो ये QS हमने ले लिया, कॉपी पेस्ट, ध्यान रखें इसमें माइनस है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और इक्वल टू ये जो 30 है ये कॉपी होगा, सॉरी यहाँ 27 पहले से ही है, राइट हैंड साइड में 27 पहले से ही है, और ये जो 13P है ये इस साइड आएगा, तो यहाँ ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये प्लस में, यहाँ कोई कुछ नहीं दिया मतलब ये प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो आप इस एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि ये माइनस में है, तो इसको आपको प्लस में करना है, तभी आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ऐसे नहीं कि माइनस में आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर इसे प्लस में रखें तो ज़्यादा आसानी होगी। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप इसका सिंबल चेंज कर दें और सारे का सिंबल चेंज कर दें। तो इसका करेंगे तो सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस है इसको हम प्लस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा और मॉडिफिकेशन हम लोग कर देंगे, इक्वेशन बस यही रहेगा, बस हम इसका सिंबल जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी प्लस देने की जरूरत नहीं है, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये तरीका होता है कि एक साइड का आपने सिंबल चेंज किया तो दूसरे साइड का भी सिंबल चेंज होगा। तो एक मॉडिफिकेशन हो गया, एक इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। तो ये दोनों चीज़ों की हमें अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से कुछ मॉडिफिकेशन हम इसमें भी करेंगे। तो ये दोनों जो हैं वो राइट हैंड साइड चली जाएंगी, जैसे कि पहले मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इक्वेशन है, तो ये दोनों यहाँ जीरो के जगह पे यानी राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, और राइट हैंड साइड में आने के कारण इनका सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सिंबल चेंज होगा, लेकिन अच्छा होगा कि आप इसे इस साइड लिखें। यार इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम इसे इसी तरह रहने देते हैं, हमारा इक्वेशन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा, और अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको मॉडिफाई कर चुके हैं। तो ये हमारा इक्वेशन पहले की तरह बन गया, जिसे हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहले की जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम में क्वांटिटी सप्लाईज इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड होता है, और क्वांटिटी सप्लाइड की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे, और क्वांटिटी डिमांडेड की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे। तो इस तरह से ये बन गया, और जो P है वो एक साइड हम करेंगे, जैसे ये 13P है ये इसी साइड रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा, और इधर ये जो 4P है राइट हैंड साइड में, इसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, और जिसके कारण इसका सिंबल जो है वो माइनस से प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पहले से 24 है, और इस राइट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले 27 को हम यहाँ राइट हैंड साइड लाएंगे, जिसके कारण इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया, जिसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 13 और 4 17 होता है, तो ये 17P हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई थिंक 51 होगा, ये 51 हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। खैर इसमें कुछ नया नहीं था, बस इसी तरह से क्वेश्चन को उल्टा सीधा करके पूछा जाता है, कंसेप्ट बहुत ही सिंपल रहता है, तो आपको बस उसे समझना है, और समझने के लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस ही करें, दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने के बाद उतना समय नहीं मिलता है कि आप उतना सोचिए और बनाए। पहले से अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में करके आ जाएंगे विद इन सेकेंड। मेरे ख्याल से इन सब में मिनट्स नहीं लगना चाहिए अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो इस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस 3 निकल गया।
अब हम इसी इक्विलिब्रियम प्राइस को ऊपर के इक्वेशन में पुट करके हम अपना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। अब इसको हमने किया, मल्टीप्लाई किया और इस तरह से -27 प्लस 39 होगा और हमारा जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा इसमें आपको 39 में 27 माइनस करना है, क्योंकि देखिए सिंबल अलग अलग होता है तो माइनस किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ होगा 1 to 12, यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो हमारा है वो 12 हो जाएगा। इस तरह इसको वेरिफिकेशन के लिए हम इसमें भी पुट करके देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे पी की जगह पे अपने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को रख दिया जो कि 3 था। तो ये इक्वेशन जो हमारा होगा -12 प्लस 24 देगा। अगर आपको ये सब समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वह हमें बताएं, मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। खैर मैंने अच्छे से ही समझाने का प्रयास किया, तो इस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकल गया जो कि 12 है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियोस में हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन से आएंगे जिसमें थोड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज होगा। इसमें हम एक मार्केट को देख रहे थे, उसमें दो मार्केट होगा और उसमें कैसे एक साथ इक्विलिब्रियम होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको हम अंत करते हैं।